हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलो चले, आज है हमारा सेकेंड डे जूनागढ़ में और हम जा रहे हैं गिरनार पर्वत पे अम्बे माता जी का दर्शन करने और फिर ऊपर से आगे भी जाएंगे। सो फिलहाल हम रोप वे से जा रहे हैं बिकॉज ये है इंडिया का लार्जेस्ट रोप वे एंड वी वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस बिकॉज दिस इज़ द लार्जेस्ट रोप वे। सो गाइस, यहाँ से आपको टिकट लेनी होती है रोप वे के लिए एंड किड्स का टिकट इज 350 रिटर्न, सिंगल लेना है तो 200 रुपीज़ है और एडल्ट का 400 रुपीज़ है सिंगल एंड 700 रुपीज़ इज रिटर्न। और अगर आप जूनागढ़ से हो तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा इफ़ यू हैव आधार कार्ड, यहाँ का आधार कार्ड, जूनागढ़ का आधार कार्ड। होप ज़्यादा धूप ना हो आज बिकॉज हमें अम्बे माता के मंदिर तक तो रोप वे मिल जाएगा, उसके आगे हमें पैदल जाना है विच इज़ अराउंड 5000 स्टेप्स। सो गाइस, ये एशिया का लार्जेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट रोप वे और ये टोटल 7.5 मिनट का वे है एंड 7.5 मिनट में आप ऊपर अम्बे माता के टेम्पल के पास पहुंच जाओगे। अच्छा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम फॉरेस्ट के ऊपर, हवा में उड़ रहे हो ऐसा लग रहा है, बादलों के बीच में। यू भी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा मजा आ रहा है। इन्होंने रोप वे बनाया है यहाँ तक के लिए बिकॉज काफी लोग रहते हैं यार, वो सीनियर पीपल और काफी बच्चे हैं और हम जैसे यंगस्टर्स भी नहीं चढ़ पाते, कभी कभी चढ़ तो जाते हैं बट बाद में 2-3 दिन प्रॉब्लम होता है। सो अच्छा ही है कि आप एटलीस्ट 10 मिनट में अम्बे माता के मंदिर के तक तो दर्शन कर सकते हो। हमें रोप वे का एक्सपीरियंस मिला। जैसे आप उड़न खटोला से निकलते हो वैसे आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड पे एक सेल्फी पॉइंट दिखेगा, बहुत ही अच्छा सेल्फी पॉइंट बनाया है और पीछे क्लाउड्स, अमेजिंग व्यू था वो, पूरे मूविंग क्लाउड्स थे। ऐसा हम लोग ने फटाफट से फोटोज निकाल दिए सब लोग ने। अब हम जा रहे हैं ऊपर अम्बे माता जी का दर्शन करने। एकदम मनाली जैसा हो गया है। हाँ, क्लाइमेट सडनली चेंज हो गया है, मतलब नीचे थी थोड़ी ठंडी बट ऊपर कुछ ज़्यादा ही हवा आ रही है और ज़्यादा ही एकदम चिल्ड हवा आ रही है। चलो, मतलब नेचर इज विद अस। बोलो जय माता दी। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। हमारा हीरो हीरो लाल सो गाइस, हम लोग का दर्शन हो गया। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसके अंदर का वीडियो नहीं दिखा पाया मैं आपको। सो ये देखो, बाहर से ऐसा मंदिर है, अंदर वीडियो निकालना अलाउड नहीं था। और ये जो सामने आप देख रहे हो वो है गोरखनाथ, फिर उसके जो पीछे का छोटी है वो है दत्तात्रेय, जो बाई वॉकिंग जाना होता है। तो अभी हम लोग बाई वॉकिंग जा रहे हैं, देखते कितना टाइम लगता है बताता हूँ। बाकी नीचे आपको ब्रेकफास्ट वगैरह करना है तो स्नैक्स वगैरह कुछ भी खाना है तो आपको नीचे मिल जाएगा। हम लोग अभी अम्बे माता
लगता है कि मंदिर से आगे बढ़ रहे हैं। मन मारूंगा, पहला पॉइंट आएगा गोरखनाथ, उसके बाद पीछे दत्तात्रेय आएगा। गोरखनाथ तो नजदीक ही लग रहे हैं, मे बी 10-15 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। क्लाइमेट एकदम सुपर्ब है, हल्का हल्का धूप लग रहा है पर ठंडा हवा चल रहा है एकदम। यानी कि ये 35 किलोमीटर का जो रेंज है जिसको हम गिरनार पर्वत बोलते हैं वो अतिशय पवित्र है। कहा जाता है कि हिमालय जो पर्वत है इट इज़ द यंगर फॉर्म ऑफ द माउंटेन रेंज, और जो गिरनार पर्वत है इज़ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द माउंटेन रेंज। यहाँ जब परिक्रमा होती है तो उसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो 2.5 दिन की ही होती है। क्यों? क्योंकि यंग जनरेशन जो आते हैं वो जल्दी जल्दी परिक्रमा करते हैं, लेकिन द रियल मीनिंग ऑफ परिक्रमा इज़ ऑफ 4 डेज। स्पेशली अगर पिलग्रिमेजेस एथिक्स से अगर देखा जाए देन इट इज़ वन टाइप ऑफ एन रोटेशन टूवर्ड्स द पावर इटसेल्फ। थैंक यू। तो देखो जय अम्बे माता का टेंपल है, वहाँ से हम यहाँ तक आए, हमको हार्डली 15 मिनट्स लगा है। अभी हम गोरखनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं अंदर, और अंदर वीडियो निकालना मना है। सो ये छोटा सा टेंपल है, फिर इसके आगे लास्ट पॉइंट है हमारा दत्तात्रेय का। देखते हैं उधर जाने में कितना टाइम लगता है। अभी तक तो इतना कुछ थकान महसूस नहीं हो रही, बस थोड़े थोड़े पसीने। बिकॉज ही इज हॉट। गोरखनाथ जी से 10 मिनट उतरे नीचे, और ये काफी नीचे उतरना है ऐसा, ऊपर से आपको नीचे उतर के फिर वो जो ये जो पॉइंट है देखो उधर झंडा दिख रहा है, उधर मंदिर है दत्तात्रेय का, वापस हमको चढ़ना पड़ेगा। अभी तो उतर है इसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बट चढ़ने के टाइम पता नहीं कैसे क्या होने वाला है। सो लेट्स सी, वेरी एक्साइटेड। स्टेप्स काफ़ी छोटे छोटे हैं तो रिटर्न चढ़ने में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो गाइस, ये जो रास्ता है ये गुरुदत्त द्वार की तरफ जाता है, और ये जो इधर से एक रास्ता है राइट हैंड साइड में ये श्री कमंडल कुंड पर जाता है। ये देखो ये कमंडल कुंड का रास्ता है। मराठी गाना जैसा लग रहा है। मंदिर दत्ता। अरे हाँ, नेचुरल एसी एयर कंडीशन, पसीने से लगभग एसी क्या सामने। नेचुरल एसी एक्चुअली, एकदम ठंडा ठंडा ब्रीज आ रहा है। 16 पे है शायद एसी का टेम्परेचर। देखो बाहर कितना धूप है, और जैसे ही ये पॉइंट पे आते हो आपको मस्त एसी वाली हवा आती। एक्चुअली वो ब्रीज जैसे आता है और इसके अंदर आते हो ठंडा हो जाता है। कैसा, व्हाट आर यू फीलिंग? फीलिंग गुड, थोड़ा बोलने का जरूरत नहीं, देख के लग रहे हैं। हाउ आर यू फीलिंग? धूप आ गई यार, बहुत धूप आ गई है तो थोड़ा। और क्लाइंबिंग के बारे में कुछ? क्लाइंबिंग तो ठीक है, थोड़ा रुक रुक के चले जाओगे तो चल सकते हैं यार, काफ़ी लोग एज वाले भी लोग आ रहे हैं तो हम तो कुछ नहीं है। और इतना भी टफ नहीं है। हाँ, ब्रेक ले लेके आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चढ़ सकते हैं। तो इजी टू क्लाइंब, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बस आपके स्टेमिना के ऊपर भी है, जैसे हमारा स्टेमिना लो है तो हमारे पीछे वाले भी दर्शन करके निकल भी गए, हम अभी तक पहुँचे नहीं, बस अभी 5 सीढ़ी दूर और हम पहुँच ही गए। सो वी आर फाइनली एट गुरु दत्तात्रेय टेम्पल। सो ऐसा लिखा है अंदर, फोटो लेना मना है।
फोटो और वीडियो लेना मना है। सो हम लोग कैमरा को इधर ही बंद करके अंदर जाके दर्शन करके आते हैं। यू डिड इट गाइस, थैंक यू। सो गाइस हम लोग एक घंटे में ही पहुंच गए ना, 1 आवर हमको लगा अंबे माता मंदिर से दत्तात्रेय मंदिर आने के लिए। एंड नाउ वी आर डूइंग फोटोशूट। ये है दत्तधुनी, तो इधर शायद भंडारा होता है। हम लोग ऊपर तो रोप वे से गए थे, हम उतर रहे हैं फिलहाल स्टेज से ही। अभी हम अंबाजी से जैन मंदिर तक पहुंच चुके हैं। साथ में जीजू और बहन भी थी, बट बहन का पैर ट्विस्ट हो गया और उनको फिर स्वेलिंग हो गई थी, तो अब वो वापस ऊपर रोप वे से ही जा रहे हैं। हाँ, डोली से उनको भेजा ऊपर। हम लोग 1000 सीढ़ी उतर गए थे और उनका पैर अचानक से ट्विस्ट हो गया, तो बहुत सूझ भी गया था, तो फिर वो डोली से ऊपर चले गए। वैसे उनका बहुत मन था कि हम सीढ़ी से ही उतरे, और इनफैक्ट मेरा मन नहीं था इतना, बट अभी ऑपोजिट हो गया। सो बट एनीवेज हम लोग अभी जैन मंदिर तक पहुंच गए हैं। कहाँ जैन मंदिर? जैन मंदिर, जैन मंदिर है ये नीचे वाला। वैसे किधर भी नहीं उतारने देते गाइस, यहाँ पे किसी भी मंदिर में ना अंदर आपको शूट नहीं करने मिलेगा, बस रास्ते में ही आप पूरा वे बता सकते हो, बाकी शूट तो किधर भी नहीं कर सकते।